पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चूड़ामणि कृत विदोर बलये कृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः गोपा बधूटे दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार मोहि रुहस्य बीजाय ओम शांति शांति शांति। तो इसमें साधर्म का चल रहा है, ठीक है। हाँ, सात पदार्थों का साधर्म क्या हुआ? ज्ञेयत्वादिकम ज्ञेयत्वादिकम ज्ञेयत्व अवधेयत्व प्रमेयत्व, ठीक है। हाँ, ये सब हो जाते हैं, सात पदार्थों का साधर्म है, ठीक है। अब आया पांच पदार्थों का साधर्म। पांच पदार्थ कौन कौन है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये पांच पदार्थ हो गए, ठीक है। तो पांच पदार्थों का साधर्म क्या हुआ? बोलिए भूमा चेतन जी, पांच पदार्थों का क्या साधर्म है? भावत्व तो है कि अनेकत्व तो है? कि ऐसा नहीं करना कि भावत्व तो भी है और अनेकत्व तो भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सुनते हो ना, क्या? हाँ, भावत्व तो को नहीं समझना यहाँ पर, है ना। हाँ, यदि भावत्व तो कहोगे तो भावत्व तो समवाय में भी है क्या? बोलिए। भावत्व यदि कहेंगे तो समवाय में भी भावत्व है क्या? समवाय भाव नहीं है क्या? तो फिर भावत्व उसमें नहीं है, है कि नहीं है? इसलिए भावत्व को अलग नहीं कहना है, है ना। इसलिए अनेकत्व कह दिया, ठीक है। केवल भावत्व कहेंगे तो कहाँ चला जाएगा? समवाय में भी अतिव्याप्ति हो, समवाय में लक्षण चला जाएगा, मतलब ये धर्म चला जाएगा, ठीक है। और केवल अनेकत्व कहेंगे तो बोले अनेकत्व यदि कहेंगे तो अभाव में भी जाएगा, अभाव भी अनेक है कि नहीं। हाँ, इसलिए अलग अलग नहीं समझना यहाँ पर, सुनते हैं ना। इसलिए यहाँ पर जो द्रव्यादय पंच कहा, ये हो गया उद्देश्य, ये हो गया उद्देश्य, समझ में आ रहा है श्यामदेव? इस श्लोक में उद्देश्य कौन? श्लोक में उद्देश्य कौन? अरे क्या सुन रहे हो, इस श्लोक में उद्देश्य कौन है? कितने पदार्थ? हाँ, अरे इस श्लोक में साधर्म में कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है? अरे क्या कहा जा रहा है पूछ रहा हूँ, तुम किसका विधान कर रहे हो? साधर्म में का? कुछ भी बोलते हो, साधर्म में का विधान किया जा रहा है, किसका विधान? सुनते नहीं हो तुम लोग।
इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, साधर्म्य कहा जा रहा है ना। साधर्म्य हो जाएगा विधेय, क्या हो जाएगा, साधर्म्य हो जाएगा विधेय। और जिसका साधर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, उद्देश्य, है। इसलिए इस श्लोक में किसका साधर्म्य कहा जा रहा है, केवल द्रव्यादि बोलेंगे, द्रव्यादय पंच ऐसा बोलो, द्रव्यादि पांच हो जाएगा उद्देश्य। इस श्लोक में उद्देश्य पद क्या है बोलो, हाँ द्रव्यादय पंच, ये हो गया उद्देश्य पद, सुनते हैं। और विधेय पद क्या है बोलो, पहला विधेय पद बोले क्या, पूरा बोले भाई, किसका विधान कर रहे हो, साधर्म। तो साधर्म क्या है मालूम है, भावा आने के, ये समझ लो क्या है, भावा आने के जो दो पद है ना, ये होगा विधेय पद, क्या होगा ये विधेय पद, इसका विधान किया जा रहा है। हाँ यही साधर्म हुआ ना, साधर्म भाव है कि अनेक है, हाँ इसलिए भावत्व सती अनेकत्व को हो अथवा अनेकत्व सती भावत्व को हो, ये होता है यहाँ पर विधेय, ऐसा समझ में ना, ऐसा समझ लो, हो गया कि नहीं। हाँ देखो इसलिए कह रहा है यहाँ पर मुक्तावली में, देखो पहले द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाणाम साधर्म्यम क्या लिखा है, अनेकत्वं समवायित्वं च, हाँ ठीक है ना, हाँ समवायित्वं भी देते, एक बोल एक बोल, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, पांच को लेना है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और क्या है, कितना हो गए, पांच हो गए, हाँ ठीक था, पांच तो ठीक हो गए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष ठीक है, कौन छूट गया, समवाय और अभाव छूट गए, ठीक तो है। ये पांच पदार्थों का साधर्म्य क्या होगा, साधर्म्यम अनेकत्वम और क्या है, हाँ यहाँ इसको इस प्रकार कर लो, इसको भावत्व सत्य भी जोड़ना है, क्या है, क्या है, एक मिनट रुको, ऐसा पढ़ दिया आपके वहाँ, अनेकत्वम अनेकत्वम अनेकत्व तो है यो, हाँ इसको इस प्रकार समझ लो, भावत्व सत्य भी करना चाहिए यहाँ पर, ऐसा पढ़ दिया है क्यों, हाँ अनेकत्वम समवायित्वम च, अनेकत्व केवल नहीं कहना है यहाँ पर, भावत्व सत्य अनेकत्वम ऐसा दिया है, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा समझ लो यहाँ पर है ना, अनेकत्व से यहाँ पर भावत्व भी लेना है यहाँ पर, ठीक है, मतलब भाव और अनेक ये एक ही साधर्म में हो गया, दूसरा साधर्म में क्या होगा, समवायित्वम ये यहाँ पर कहना है, ठीक है। अच्छा भाई यद्यपि अनेकत्वम अभाव, देखो पदकृत्य किया जा रहा है, केवल हम कहेंगे क्या कहेंगे, अनेकत्व कहेंगे, अनेकत्व कहेंगे तो कहाँ चला जाएगा, अभाव में भी चला जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना, ये कह रहे हैं यद्यपि अनेकत्वम अभावे अपि अस्ति, अनेकत्व अभाव में भी है, तथापि अनेकत्व सति भावत्वम ये है अभाव में, नहीं है ना, अनेकत्व तो है लेकिन भावत्व नहीं है, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा और केवल भावत्व कहेंगे तो कहाँ चला जाएगा, केवल भावत्व कहेंगे तो कहाँ जाएगा, समवाय में जाएगा, ये नहीं दिया है ऊपर से समझ लो, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें पहले में लक्षण दिया है, हाँ क्या दिया है, जिस
समवाय तो दूसरा साधर्म है, समवाय तो दूसरा साधर्म है। कैसा मैं दूसरा साधर्म समवाय तो है, सुनते ना, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आपके वहाँ क्या दिया है, ऐसे दिया है, हाँ ठीक है, ऐसा समझ लो, ऐसे ही समझ रहे हैं। समवाय तो अलग है साधर्म्य, और भाव होने को ये अलग साधर्म्य है, ऐसा समझ लो। आपके वहाँ क्या दिया है, ऐसे ही दिया ना, है हाँ ठीक है, सत्य नहीं दिया ना, ठीक तो है, अलग अलग च कह दिया ना, एक हो गया भाव तो सत्य होने का तत्व, और दूसरा हो जाएगा समवाय तो, ऐसा समझना है, ठीक है। हाँ रामेश्वर, आवाज आ रही है जी गुरु जी? हाँ पहला साधर में क्या है बोलो भाई, भावत्व। कहाँ तुम, किस बिहार में हो पता नहीं, है इतना समझ, पहला साधर में क्या है पहला साधर में क्या है, हे भगवान, अनेकत्व सति भावत्वम, ये गुरुजी। हाँ ठीक ठीक ठीक, और दूसरा साधर्म में क्या है, अनेकत्व सति समवायित्व, नहीं केवल समवायित्व, समवायित्व, हाँ ऐसा है, जैसा बोल रहे हैं ऐसे सुन लो, है ना, इधर उधर लिखा, अनेकत्व, अनेकत्व क्या है, वो विशेषण है भावत्व का, हाँ हाँ विशेषण है, है ना, भावत्व सत्य अनेकत्व कह लो अथवा अनेकत्व सत्य भावत्व कह लो, कोई बात नहीं, ये एक ही साधन में हो गया, ठीक है। हाँ उल्टा पुल्टा नहीं समझना है ना, नहीं तो समझाना व्यर्थ होगा दूसरा साधन में क्या है, समवायित्व, ये आगे आएगा, ठीक है, चलो भैया। अच्छा आप कहते हैं देखो, ये तो हो गया ना, यद्यपि अनेकत्वम अभावे अपि अस्ति तथापि अनेकत्व सति भावत्वम, ये नहीं रहेगा अभाव में, ओके, इसलिए किसका होगा फिर, पंचानाम साधर्म्यम, इसलिए पांचों का ही साधर्म्य होगा, ठीक है भाई। हाँ कहाँ कहाँ पर रहेगा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष, इसका साधर्म्य हो जाएगा भावत्व सति अनेकत्व, इतना आया कि नहीं। अच्छा अब देखो, वो कहते हैं कि आपका साधर्म्य क्या हुआ, बोलो साधर्म्य क्या हुआ, बोलिए। हाँ हाँ नहीं नहीं आपका मतलब नहीं आया कान, नहीं आएगा सिद्धांति का, सिद्धांति का साधर्म में क्या हुआ, अनेकत्व, ठीक है। अच्छा तो इस सब में जाना चाहिए ना, जित हाँ पांचों में। अच्छा देखो बताता हूँ, हाँ घट घट घट, हाँ एक घट मान लो, ये भी द्रव्य है, पांचों में आया, तो तद घट में ये धर्म जाएगा क्या, बोलिए, तद घटा में बोले घुमा चेतन जी, बोलो तद घट एक ही है कि नहीं, तद घट व्यक्ति विशेष एक घट है, हो गया, उसमें जो ये धर्म रहेगा एक ही है तो अनेकत्व कहाँ रहेगा, हाँ तो क्या दोष आएगा, अभ्याति दोष हुआ कि नहीं हुआ, हुआ आकाश द्रव्य में है आकाश, हाँ तो ये धर्म जाएगा कौन सा, भावत सत्य अनेकत्व तो नहीं गया, तो क्या दोष आएगा, अव्याप्ति आकाश काल देख नहीं जाएगा ना, लक्षण नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो क्या दोष हो जाएगा, हैं अव्याप्ति सभी में जाना चाहिए साधर्म में, तब तो कहेंगे साधर्म में इसलिए इसका अभिप्राय ये है, भावत्व सत्य जो अनेकत्व है इसका ये अभिप्राय है,
ये कह रहे हैं फलित अर्थ। देखो भाई, तथा च अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजको उपाधिमत्तम इति फलितो अर्थ। देखो कह रहे हैं इसका ये तात्पर्य है, अनेक भाववृत्ति बोल दिया, क्या कह दिया, अनेक भाववृत्ति हैं, अनेक भाव पदार्थ है, क्या है, अनेक भाव पदार्थ में जिसकी विद्यमानता हो, ऐसा जो पदार्थ का विभाजक उपाधि हो, सुनते हो, पदार्थ के विभाजक उपाधि कितने हैं मालूम है, पहले आया विभजते का जो अर्थ देख रहे थे ना, पदार्थान विभजते, नया विभजते का अर्थ भी पूर्व भजधातु का अर्थ स्वे व्याहृत पदार्थ था अवच्छेदक वहाँ पर है ना, व्यापक मृतो यावत विरुद्ध धर्म प्रकार होगा या ना, वहाँ पर सात होते हैं, हाँ कितने होते हैं सात, क्या क्या होगा बोलिए, देखने की जरूरत नहीं भी समझ लो, पदार्थ के विभाजक उपाधि धर्म कितने होंगे सात, क्या क्या होगा, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व, इसको क्या बोलेंगे, हाँ विभाजन करने वाला क्या धर्म है कि उपाधि है, इसको कहेंगे उपाधि कहेंगे, क्या कहेंगे उपाधि, जैसे सामान्य में सामान्यत्व ये क्या है उपाधि है, उपाधि है यहाँ पर, तो इसको ये लोग बोलते हैं उपाधि बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि वो जाति नहीं ना है, सामान्य में सामान्यत्व क्या है, जाति है क्या, हाँ जाति नहीं मानते ना, सामान्य में सामान्य, विशेष में जाति रहती है विशेषत्व, क्या बोलिए, विशेष में जाति रहती है क्या क्या आप क्या कह रहे हैं, नहीं रहती ना, विशेष में जाति नहीं मानते हैं ये लोग, क्या दोष होता है, विशेष में जाति क्यों नहीं मानते हैं बोलिए, स्वरूप हानि, ऐसा क्या ना, स्वरूप हानि बोल दिया ना पहले, व्यक्तिर अवेदस तुल्यतम संकरोथा नवस्थिति, रूप हानि र संबंध है ना, जाति बाधक संग्रह है ना, ये जाति के बाधक मानते हैं लोग, विशेष में विशेषत्व जाति नहीं रहती है, सामान्य में जाति नहीं रहती है, क्यों नहीं रहती सामान्य में जाति, अनवस्था दोष होगा, अनवस्था दोष हो जाएगा ना, नहीं मानते हैं लोग, समवाय में भी नहीं रहेगी जाति, विशेष में भी जाति नहीं रहती है, नहीं समझ में कि नहीं, हाँ उपाधि मानते हैं लोग, क्या मानते हैं, विशेषत्व सामान्यत्व समवायत्व ये सब क्या है उपाधि, कैसी उपाधि हुई बोलो, देख कर बोले विभाजक, किसका विभाजक, पदार्थ का, देखो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है हाँ, देखो वहाँ पर अनेक भाववृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि कितना है सात है, सात है ना, हाँ ऐसा बोलते, ठीक है, तो अनेक भाववृत्ति कहने से क्या होगा, अनेक भाव में रहने वाला, क्या अनेक भाव में रहने वाला, ठीक है, देखो अनेक भाव में रहने वाला कहने से हैं, जो आपका समवायत्व है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, समवायत्व जो है ना अनेक भाव में रहता है क्या, समवायत्व तो पदार्थ का विभाजक उपाधि है, लेकिन समवाय कितने है, कितना समवाय होता है, एक ही समवाय, तो अनेक भाववृत्ति हुआ है, क्या कह रहा है, नहीं हुआ ना, है ना, अच्छा अभावत्व वो भी नहीं है, वो तो अभाव में रहेगा, भाव में तो रहेगा नहीं, है ना, तो अनेक भाववृत्ति कहने से कौन कौन छूट गए, समवाय, समवाय भी नहीं ले सकते और अभाव भी नहीं ले सकते, आगे कि नहीं आ गया, हो गया,
अच्छा, कहाँ को नहीं जा रहा था, कहाँ पर नहीं जा रहा था? और आकाश में नहीं जा रहा था और तत्त्व घट में नहीं जा रहा था, अब जाएगा, है कि नहीं? वो अब आकाशत्व को लेकर कह रहे थे आप, क्या अनेक भावृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि आकाशत्व है क्या? कहाँ है पदार्थ के विभाजक उपाधि? अभी कितने बताए? सात। हाँ, सातों में कोई आकाशत्व आया? वो द्रव्यत्व आएगा, द्रव्यत्व गुणत्व आएगा, आ गया? तो आकाश में द्रव्यत्व रहेगा? हाँ, ये धर्म रहेगा, मतलब ये अनेक भावृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि, उपाधि द्रव्यत्व है, हाँ कि नहीं? उपाधि मत कौन होगा? आकाश होगा, होगा कि नहीं होगा? उपाधि मत तो जाएगा उसमें, किस में? आकाश में। अब तत्त्व घट में भी जाएगा, तत्त्व घट में जाएगा, हाँ कि नहीं जाएगा? हाँ, अव्याप्ति नहीं होगी। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ रमेश सर, समझ में आ रहा है? चलो, अनेक भावृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्तम इति फलितो अर्थ। ये फलित अर्थ हुआ, किसका हुआ भगवान चेतन जी? किस शब्द का फलित अर्थ हुआ भाई? किस शब्द का हुआ श्लोक में? भावा अनेक, ये जो था इसका अर्थ हुआ, मतलब भावत्व सत्य जो अनेकत्व था इसका ये अर्थ हुआ, ठीक है? ऐसा क्यों अर्थ किया है? अव्याप्ति नहीं होगी ना, ये बोलते तेना, तेना का अर्थ ऐसा अर्थ करने से प्रत्येकम घटा दो, जो प्रत्येक घट मतलब तत्त्व घट, ठीक है? हाँ, तत्त्व घट में भावत्व सत्य अनेकत्व था क्या? नहीं है, नहीं है ना, अव्याप्ति जा रहा था ना? अच्छा, और आकाश आदो, आकाश आदि से क्या लेंगे? काल, दिक, मन भी कहाँ एक है? मन तो अनेक मानते हैं लोग, मन कहाँ एक है? हाँ, तत्त्व मन कहोगे तो चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही समझ लो। अब ऐसा अर्थ करेंगे तो अव्याप्ति नहीं होगी। कैसा अर्थ करने से? बोलिए, अनेक भाववृत्ति पदार्थ पदार्थ विभाजको विभाजको उपाधि मत्तम, हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? भावत्व सति अनेकत्व का ही ये इसका ही स्पष्टीकरण हुआ, फलित अर्थ यो हुआ, हो गया नारायण? चलो, उसके बाद देखो, अब कहते हैं कि हाँ ये हो गया। दूसरा साधर में क्या है बोलो? दूसरा साधर में क्या है? समवायी ना, हाँ मतलब समवायित्वम है, समवाय अस्य अस्तिति समवायी तस्य भाव समवायित्वम, नहीं? हाँ, तो समवायित्वम समवाय संबंध जिसका है, क्या समवाय संबंध जिसका है उसको क्या बोलेंगे? समवायी, है ना? समवाय संबंध कहाँ कहाँ पर होता है बोलिए? अयुत सिद्ध पदार्थ में होता है, नहीं? गुणा गुणी क्रिया क्रिया वाला जाति व्यक्ति नित्य द्रव्य और क्या है विशेष, इतना है समझ में? ठीक है, देखो यदि आप, हाँ, समवाय तो उसको कहा जाएगा, समवाय संबंध वाला क्या है? समवाय संबंध वाला, जैसे मान लो भूतल में घट है, किस संबंध से? संयोग संबंध से। तो संयोग संबंधी कौन है, भूतल है कि घट है? दोनों है, दोनों ही नहीं है। संयोग कहाँ रहेगा, भूतल में रहेगा कि घट में रहेगा?
दोनों में रहेगा। तो संयोग संबंधी कौन हुआ, मतलब संयोगी, मतलब संयोगी कौन हुआ, संयोग अस्य अस्तित्व संयोगी, संयोग दोनों में रहेगा क्योंकि संयोग संबंध है। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, इतना समझ में। अच्छा तो संयोग का प्रतियोगी कौन होगा, घट से संयोग भूतले, घट से संयोग भूतले, नहीं तो संयोग का प्रतियोगी कौन होगा, घट होगा, और अनुयोगी भूतल होगा, नहीं संयोगी तो घट में रहेगा कि भूतल में रहेगा, दोनों में रहेगा, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। अच्छा अब समझाते हैं, देखो ये बोलते हैं तो सुन लो, परमाणु है, देखो घट रहेगा समवाय संबंध से कहाँ, कपाल में रहेगा, रहेगा द्रव्य अपने अवयव में रहता है, किस संबंध से, समवाय संबंध से, तो समवाय संबंधी कौन हुआ, घट हुआ कि कपाल हुआ, आप क्या संपूर्ण समझ में आ रहा है, समवाय संबंध घट और कपाल में है कि नहीं, तो समवाय संबंध वाला घट हुआ कि कपाल हुआ, अरे संबंध दोनों में रहेगा ना, समवाय संबंध दोनों में रहेगा, कहाँ कहाँ रहेगा, कपाल में और घट में रहेगा, तो समवाय संबंध वाला कौन है, घट है कि कपाल है, दोनों है कि नहीं, तो है ना, तो समवाय तो कहाँ रहेगा, घट में रहेगा कि कपाल में रहेगा, दोनों में रहेगा, आया समझ में भी कि नहीं आया, आ गया। तो देखो कपाल में रहता है घट, क्या कपाल में घट रहता है, क्योंकि कपाल क्या है, बोलिए कपाल क्योंकि क्या बोलते हैं, समवाय कारण है, क्या है, समवाय कारण है, और अवयव है कौन, कपाल है, लेकिन समवाय तो दोनों में रहा कि नहीं, घट से समवाय कुत्र कपाल है, तो समवाय का प्रतियोगी कौन हुआ, समवाय का प्रतियोगी घट, और कपाल अनुयोगी, तो समवाय तो दोनों में रहा, प्रतियोगी में भी रहा और अनुयोगी, इतना तो समझ में आ गया। यदि ऐसा अर्थ करोगे, सामान्य अर्थ है, समवाय का अर्थ करेंगे, समवाय अस्य अस्ति समवाय, और समवाय तो दोनों में रहेगा, कहाँ कहाँ रहेगा, प्रतियोगी में भी रहेगा और अनुयोगी में, इतना समझ में, ठीक है। ऐसा यदि अर्थ करोगे तो अव्याप्ति दोष हो जाएगा, क्या दोष हो जाएगा, अव्याप्ति दोष हो जाएगा, कैसे अव्याप्ति दोष हो जाएगा, देखो बताते हैं, त्रेणु कहाँ रहता है, द्रेणुक में रहेगा, द्रेणु कहाँ रहता है, परमाणु में रहता है, इतना है समझ में, ठीक है। द्रेणुकस्य समवाय कुत्र, परमाणु, वाह वाह कि नहीं, वाह हुआ ना कि नहीं, इतना है समझ में। देखो समवाय तो कहाँ जाएगा, दोनों में ना, है ना। अच्छा यदि आप ऐसा करोगे, आप समवाय संबंध से जो रहने वाला है, क्या समवाय संबंध से रहने वाले को यदि समवाय कहेंगे आप, कैसे मैं, समवाय संबंध से रहने वाले को यदि समवाय कहेंगे, हैं द्रेणु में जाएगा कि परमाणु में जाएगा, आप बोलिए दोनों में जाएगा, क्या अर्थ करने पर, समवाय संबंध से रहने वाला कहने से समवाय का प्रतियोगी, द्रेणु होगा नहीं, यदि प्रतियोगी में यदि समवाय तो मानेंगे, पहले समवाय का अर्थ यदि कहिए कहोगे, समवाय संबंध से रहने वाला को यदि कहोगे आप, किसका अर्थ, समवाय का अर्थ नहीं, समवाय का अर्थ, समवाय का अर्थ क्या करेंगे, समवाय संबंध से रहने वाला को, घट रहेगा कपाल में, कपाल रहेगा अपने अवयव में, है ना, ऐसा समझ में, मतलब अवयव में तो जाएगा, क्या
अवयव में तो जाएगा, मतलब प्रतियोगी में तो जाएगा, सुनते हो कि नहीं? लेकिन अनुयोगी में नहीं जाएगा। अनुयोगी कहीं रहता है क्या? हाँ, कपाल में घट रहता है कि घट में कपाल रहता है? कपाल में घट रहेगा कि नहीं? तो समवायकार यदि समवाय संबंध से रहने वाला कहेंगे तो समवाय तो घट में जाएगा कि कपाल में जाएगा? कपाल में नहीं जाएगा। ठीक, इसी प्रकार कहाँ, वहाँ पर परमाणु में नहीं जाएगा, जाएगा परमाणु में? देणु रहता है परमाणु में, परमाणु कहीं रहता है? नहीं रहता है ना। तो क्या दोष आया? अव्याप्ति दोष आया है कि नहीं आया? ये सामान्य अर्थ कर देंगे तो चाहे समवाय संबंध से प्रतियोगी हो चाहे अनुयोगी हो, अब तो कोई दोष नहीं होगा, तो परमाणु में भी चला जाएगा। है कि समझ में आ गया? सामान्य समवाय संबंध से, समवाय संबंध वाला क्या कह कर देंगे? समवाय संबंध वाला यदि कह देंगे तो कहाँ जाएगा? प्रतियोगी में जाएगा कि अनुयोगी में जाएगा? दोनों में चला जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे प्रतियोगी हो चाहे अनुयोगी हो। आगे कि नहीं आगे? आगे। हाँ, इसी प्रकार से मान लो, हाँ, गुण समय संबंध से रहने वाला, इसमें आपत्ति, उसमें आपत्ति होगी, इसमें आपत्ति होगी, परमाणु में नहीं जाएगा क्योंकि परमाणु कहीं रहता नहीं समवाय संबंध से। आगे कि नहीं आगे? ठीक है, ये बात समझ कर रख लो, हो गया। चलो, हो गया ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं समवायित्वम च समवाय संबंध न संबंधित्वम, ये दो को लिख दिया। समवाय संबंध न संबंधी कहने से क्या हुआ? चाहे प्रतियोगी हो चाहे अनुयोगी हो, न तो समवायवत्वम, ये देखो समवायवत्वम समवाय संबंध से रहने वाला, ऐसा अर्थ ये करेंगे है ना, तब तो ये धर्म जाएगा नहीं? नहीं जाएगा ना। कहाँ नहीं जाएगा? देखो सामान्यादौ अभावात्, देखो सामान्य है ना, हाँ सामान्य, देखो घट में घटत्व तो है नहीं क्या? हाँ घट में घटत्व तो है नहीं, समझ में ना? घटत्व तो कहीं रहता है समवाय संबंध से? क्या कह दिया? रुको रुको, न तो समवायवत्तम सामान्यादो, सामान्यादो, हाँ एक मिनट रुको, सामान्य है ना। एक मिनट रुको रुको रुको, समवायवत्तम सामान्यादौ अभावात, सामान्य में, हाँ ठीक है, सामान्य में क्या रहेगा? सामान्यादौ अभावात, हाँ ठीक है, ऐसे समझ लो सामान्य में, सामान्य, हाँ ऐसा समझ लो, जाति और विशेष लिया, आजे सामान्य से, सामान्य जातो लिया और आदि, आदि से विशेष हो जाएगा, विशेष हो जाएगा है कि नहीं? तो ऐसा लगा लो, तो सामान्य तो रहेगा, क्या है? सामान्य तो रहेगा, कहाँ रहेगा? समवाय संबंध से कहाँ पर रहेगा? द्रव्य में, गुण में और कर्म में, नहीं कौन रहता है? संबंध रहता है। सामान्य में कौन रहता है? सामान्य में कौन रहेगा? घट, घट में रहेगा घटत्व, घटत्व, हाँ घटत्व में कौन रहेगा समवाय संबंध से?
घट घटत में रहते समय समय घटत्व में कोई नहीं रहता है कि नहीं आ गया क्या? घट में घटत्व रहेगा समवाय समन से, घटत्व में कौन रहता है समवाय समन से बोलिए? कोई नहीं रहेगा। विशेष रहेगा नित्य द्रव्य में समवाय समन से, विशेष में कौन रहेगा समवाय समन से? नहीं रहेगा ना, है कि नहीं? इसलिए समवाय का अर्थ ये कहोगे समवाय संबंध, समवाय संबंध से जिसमें रहता है मतलब कौन हो जाएगा? अनुजीवी हो जाएगा, है ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना? तो सामान्य में कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। विशेष में कौन रहता है समवाय संबंध से? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। अच्छा, और प्रतियोगी अर्थ करेंगे तब भी दोष होगा। समवाय संबंध से रहने वाला, समवाय संबंध से रहने वाला परमाणु है बोलिए? समवाय संबंध से परमाणु कहीं रहेगा? नहीं रहेगा, वहां पर भी दोष होगा, नहीं रहेगा। हाँ है ना, दोष हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन समवाय संबंध वाला यदि कहेंगे तो चाहे प्रतियोगी हो चाहे अनुयोगी हो तो परमाणु में भी चला जाएगा साधारण में और सामान्य आदि में भी चला जाएगा, है ना? हो गया कि नहीं हो गया बोले? हो जाएगा। समवाय संबंध वाला चाहे प्रतियोगी हो चाहे अनुयोगी हो, जाएगा कि नहीं जाएगा साधारण में? ठीक है, ऐसा ले लो। इति पंच पदार्थ साधारण कथनम, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ले लो। अच्छा भाई, अच्छा, चारों का साधर्म क्या होगा? तो दिया तो नहीं है, दिया है? चारों का साधर्म क्या होगा? ये तो पांचों का दे दिया, आगे किसका दिया है? तीन का दिया है, सप्तावंत त्रयताद्या गुणादे निर्गुणा क्रियः। बोलो, सप्तावंत त्रयस्त्वाद्या गुणादे निर्गुणा क्रियः। देखो लिखे यहाँ पर सत्तावंत त्रयताद्या, त्रयस्तु आद्या, है ना? गुणादिर निर्गुणा क्रियः, है? देखो यहाँ पर लिखे हैं तो साधर में क्या है? हाँ, तीन कह देना, त्रयस्तु आद्या, तीन पहले कौन है बोलो? द्रव्य गुण और कर्मा, ये ले लो। द्रव्य और द्रव्य गुण कर्म का साधर में क्या होगा बोले? सत्तावत्तम, नहीं होगा? क्या कह रहे हैं आप? सत्ता कहाँ रहती है? क्या कह रहे हैं? द्रव्य गुण और क्या है? कर्म, ये तीनों का साधर में क्या होगा? हैं, सत्तावत्तम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, हालांकि आपकी पुस्तक में नहीं दिया है चारों का साधर्म क्या, इधर तीनों का बोल रहे हैं, बीच में छोड़ दिया ना चारों, चारों का क्या होगा साधर्म में? सात, सात का दिया है, पांच का दिया है, फिर उसके बाद तीन का दिया है, चार का तो दिया नहीं चार का क्या होगा? चार का इसमें दे रखा है दिनकरी में, समवेत समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मत्तम। देखो लिख दो, ये ब्रैकेट में दिया है, तथाचा समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक। हाँ हाँ, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। समवेत वृत्ति पदार्थ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, समवेत समवेत ऐसा करो, चारों का बोल रहा हूँ मैं, तीन का नहीं कह रहा हूँ मैं। अब कहाँ दिखाओ मेरे को, कहाँ है? ऊपर समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक, ये तो इसका दिया है, इसका भावार्थ दिया है, इसका चारों का लिख लो, वो नहीं लिख लीजिए। श्यामदेव सुन रहे हो? हेलो जी, आवाज आ रही है?
हाँ चारों का साधर्म लिखो, चारों का साधर्म क्या है? संवेत, संवेत वृत्ति, पदार्थ विभाजको उपाधिमत्तम, ये साधर्म है। लिख रहे हो संवेत, संवेत वृत्ति, वृत्ति हाँ दो बार, पदार्थ विभाजको उपाधिमत्तम, पदार्थ विभाजको उपाधिमत्तम, ये किसका साधर्म है? द्रव्यादि चार, द्रव्यादि चार हाँ, द्रव्य गुण कर्म और क्या है सामान्य, ठीक है हाँ, ये चारों का साधर्म ये बता रहे है ना। समवेत, समवेत वृत्ति बोल रहे हैं क्या? समवेत, समवेत वृत्ति, देखो चारों का साधर्म ये होगा है ठीक है। पदार्थ विभाजक उपाधि कितने होते हैं? सात होते हैं ना। अब चारों को ले लो भाई है, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व है ना। हाँ क्या है? द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व, ये चार है ना। हाँ ये हो जाएंगे उपाधि, ये क्या हो जाएंगे? उपाधि। देखो भाई समझा रहे हैं समवेत बोल दिया, क्या कह दिया? तो समवेत में समवेत जो वृत्ति है ये बोल रहा है, कैसे घटाएंगे कैसे घटाएंगे बोले, समवेत में समवेत क्या कह रहा है? समवेत में समवेत कैसे होगा? जो समवाय संबंध से रहता उसमें जो समवाय संबंध से रहता कैसा होगा बोले, द्रव्य में कैसे कटेगा? कपाल रहता है हाँ, समवेत हुआ उसमें समवेत कौन है? उसमें समवेत कौन है? द्रव्य है नहीं, द्रव्य है घट नहीं होगा, घट होगा कि नहीं होगा बोलो, अवयव में अब रहने वाला कि नहीं हो, क्या कह रहा है हाँ कि नहीं है? तो द्रव्य होगा कि नहीं होगा है? तो समवेत, समवेत वृत्ति पा पदार्थ विभाजक उपाधि कौन होगा? द्रव्य तो हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? दो बार समवेत है हाँ तो ठीक तो है, समवेत तो कपाल है कि नहीं, है ना हाँ कि नहीं बोलिए। उसमें समवाय संबंध से समवेत कौन हुआ? समवेत का अर्थ क्या है? समवाय संबंध से अंदर रहने वाला है कि नहीं? कपाल समवेत है, उसमें समवेत घट है, द्रव्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसमें पदार्थ विभाजक उपाधि कौन है? द्रव्य तो है, उपाधि मत कौन हो गया? उपाधि मत द्रव्य, उपाधि मत तुम कहाँ पर गया? द्रव्य में नहीं गया आया हाँ कि नहीं? अच्छा देखो गुणत्व में हो जाएगा है ना। अच्छा देखो बताते हैं कैसे हो जाएगा है, द्रव्य हो गया, द्रव्य द्रव्य ठीक है द्रव्य देखो कहते हैं द्रव्य हो गया घट, मान लो घट, घट घट समवेत है ना। उसमें गुण होगा समवेत हाँ कि नहीं? घटा दे जाओ, उसमें गुण में पदार्थ विभाजक उपाधि कौन है? गुणत्व हो गया, गुणत्व हुआ कि नहीं हुआ? गुणत्व को क्या बोलेंगे बोलिए? समवेत, समवेत वृत्ति, पदार्थ विभाजक उपाधि, उपाधि कौन हो गया? उपाधि गुणत्व, उपाधि मत, उपाधि मत गुण, उपाधि मत्तम गुण में गया इसमें अगर कर्म भी हो जाएगा क्या? कर्म भी होगा कि नहीं होगा? होगा ना,
द्रव्य समवाय संबंध से रहता है, रहता है नहीं, द्रव्य द्रव्य समवाय तो है, उसमें समवाय तो क्रिया है, कर्म हो गया कि नहीं होगा, ये भी घट जाएगा हुआ कि नहीं हुआ, सामान्य में कैसे घटा हो गए बोले, हो जाएगा समवाय तो कौन, द्रव्य गुण कर्म है समवाय तो, उसमें समवाय तो सामान्य है, आपको नहीं समझ में आ रहा है समवाय तो कौन है बोलिए ना भाई, द्रव्य गुण कर्म सामान्य ये समवाय समझ नहीं रहते हैं क्या, रहते नहीं रहते हैं, उसमें सामान्य समवाय तो हुआ, सामान्य किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से, समवाय तो सामान्य हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, उसमें पदार्थ विभाजक उपाधि कौन है, सामान्य तो है, तो उपाधि मत कौन हुआ सामान्य, और उपाधि मत तो सामान्य में घट गया ये नए अगले भी कुछ भी कटा देते हैं समवेत समवेत वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मत्तम, ये किसका साधर्म्य हुआ बोलो भाई, द्रव्यादि चारों का साधर्म्य, ठीक है वैसे रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।